पेरिस ओलंपिक्स रे फाइनल ले प्रवेश करिसेंते जावलिन थ्रोर नीरज चोप्रा। टोकियो ओलंपिक्स रे स्वर्ण पदक जीति नीरज चोप्रा भारत पई पदक आशा उज्जीवित करिसेंते। आज क्वालिफाइंग राउंड खेला जाउथला आ ए समय रे नीरज 99.34 मीटर जावलिन पकाई फाइनल राउंड को प्रवेश करिसेंते। सेपर क्वालिफाइंग राउंड रे किशोर जेना नवम स्थान रे रहिसेंते। सेपर 50 केजी महिला कुश्ती रे क्वार्टर फाइनल रे प्रवेश करिसेंते दिनेश फोगट। दिनेश फोगट विश्व चंपियन जापान यूपी सुसाकी को 3-2 रे हराई। यूसी सुसाकी टोकियो ओलंपिक्स रो गोल्ड मेडल विजेता होते हर फोगट का मनोबल बे सुदृढ़ रही। आज हॉकी रे भारत और जर्मानी मध्य सेमीफाइनल मैच खेल समय मैच समय 10:30 रही। उत्कंठा भी समस्त रही हॉकी किभली भाव में भारत भल प्रदर्शन करू। पेरिस ओलंपिक्स रे लगातार भाव में गोटे पर गोटे सफलता प्रदर्शन करुछंती भारतीय खेलाड़ी। एवं ये मैच रे जो देखा निश्चित भाव में नीरज चोप्रा दमदार प्रदर्शन देखा मिली। जावलिन थ्रो रे नीरज चोप्रा टोकियो ओलंपिक्स रे स्वर्ण पदक जीति नीरज चोप्रा भारत पे पदक आशा उज्जीवित करिसेंती। आज क्वालिफाइंग राउंड थिला आ एही समय रे 99.34 मीटर जावलिन पकाई फाइनल राउंड को प्रवेश करिसेंती नीरज। समीक्षा मो सहित जोड़ी होती समीक्षा लगातार भाव में भारत प्रदर्शन निहाती भाव में भल रोचे पेरिस ओलंपिक्स गोटे पर गोटे राउंड जो जाऊँगी क्वालिफाइंग मैच रे जो देखा नीरज चोप्रा प्रदर्शन जो भाई भाव रही एपटे हॉकी रही आज रात 10:30 खेल केमती देखुं भारत प्रदर्शन को देखु। टोकियो ओलंपिक्स पर पेरिस ओलंपिक्स निहाती भाव में आम जदि ए वर्तमान सुधा बेसी मेडल पाई ना केवल तीन टी मेडल पाई ब्रोंज मेडल किंतु कथा हो प्रदर्शन खेलाड़ी बहुत भल रही कहीं अधिकांश खेला 16 ड्रे 16 राउंड खेली पार्टी क्वार्टर फाइनाल सेमिफाइनाल पर्यंत टीम पहुँची पार्टी पूर्व वर्ष गुड़िकेबे देखाई नाला। सबुठ बड़ कथा हूँ समस्त नजर रही जावलिन थ्रो बा हॉकी जो टीम उपरे वर्तमान आज जावलिन थ्रो करुछंती 3:20 समय रे जावलिन थ्रो आरंभ होता नीरज चोप्रा। नीरज चोप्रा प्रथम जो 6टी चांस दिया जाए प्रथम चांस रे नीरज चोप्रा 89.34 मीटर पकेचंती जहाँकि जो रेकर्ड रही मात्र आउ कम निजर रेकर्ड रही 89.94 तो निहाती भाव में आम कौटी ना कौटी नीरज चोप्रा को फाइनाल देखुचे क्या बेस्ट 6 फाइनाल जिबे तेणु निहाती भाव में नीरज कर चांसेस बहुत रही किभली भाव में बेस्ट टाइमिंग टू बेस्ट थ्रो टू आउरी अधिकार थ्रो करिपारे 90 क्रॉस करिपारे जे कि चेकोस्लोवाक जे रही जुकुप जे वर्ल्ड चैंपियन रही वर्ल्ड चैंपियन जे तक 90.88 तो सी जेहेतु ओलंपिक रे नहांती किंतु पीटर जे रही ग्रेडार 88.63 क्योंकि पाखापाखी नीरज कर रही तो मोटामोटी भाव में पाकिस्तान जो खेला रही नदीम ए तीन जन भितर कंपिटिशन निहाती भाव में टफ रीरज को आउ टे बेटर थ्रो करने को पड़ो कहीं आप देखिथे टोकियो ओलंपिक ठारु पेरिस ओलंपिक रे खेलाड़ी जो क्वालिटी स्किल सब अधिका रही सबु देशर कथा कहतु केवल इंडिया कथा आम कहानी सबु देशर खेलाड़ी क्वालिटी स्किल बेस इम्प्रूव होती तेणु नीरज को निहाती भाव में नीरज जो बड़े वर्ष तमाम विभिन्न लीग्रे डायमंड लीग कहतु ब्रोंज कथा कहतु सबू जगार खेली सारी विशेष भल परफॉर्मेंस लीग्रे नाला किंतु निहाती भाव में चमत्कार कर पेरिस ओलंपिक रे निश्चित भाव में भारतीय दर्शकों मन जिणी एवं फाइनल रे प्रवेश किंतु आमे आशा करमी टोकियो ओलंपिक रे नीरज गोल्ड मेडल हासिल करते से भाव पुणी थरे तांकर से गोल्ड मेडल बजाय रखंतु एवं 90 क्रॉस करंतु तांकर निजर बेस्ट थ्रो अच्छी 89.94 वर्ल्ड चैंपियनशिप रे जदियो एटी जुकब नहांती तथापि नदीम अच्छा पाकिस्तान से भी भल थ्रो करीटर जी अच्छे ग्रेनेडार अच्छा से भल थ्रो करेणु ये गोटे निश्चित भाव रेस्ट टी मिल जाव कारण
महिला कुस्ती क्वार्टर फाइनल प्रवेश कर दिनेश फोगट दिनेश फोगट जने भल रेसलर आप जानते वर्ल्ड ना अच्छी जहाँ देखीचे वर्तमान लास्ट 4 सेकेंड रे से 4 पॉइंट हासिल करछंती एवं सीधा सड़क क्वार्टर फाइनल रे प्रवेश करछंती। आमे तो होप करबा जे जेतु वर्ल्ड नंबर 1 को से हरैछंती निहाती भाव रे रेसलिंग रे मध्य भारत को मेडल आसीबो। आमे आशा करछु रेसलिंग रे तो निहाती भाव रे आसीबो। हॉकी मध्य समस्त नजर रही कारण 2020 ओलंपिक रे आमे ब्रोंज मेडल हासिल करथुले। एथर शक्तिशाली ऑस्ट्रेलिया को आमे हरैचे ते निहाती भाव रे ग्रेट ब्रिटेन सांगरे आमको चमत्कार खेल प्रदर्शन करिया पड़ो। ता सहित जो गोटी गोटी छोटो छोटो मिस्टेक हेतिला बॉल पासिंग रे कोंतु डिफेंस एरिया रे कोंतु बॉल कन्वर्ट गोल रे करबा कोंतु ए सब भितरे अनेक एनालिसिस सेइथबो कोच करितिबे। किंतु सबटु बडा कथा आम पई दुखर विषय जे ओडिया खेलाली अमित दोई दास खेलिबे नाही रेड कार्ड पाइचंती। तेणु निहाती भाव रे जे हॉकी इंडिया रो प्रेसिडेंट अछन सी मध्य रिएक्टिव हेचंती किंतु ता सेटा पूरा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन उपरे ही माने गुरुत्व बहन करे से खेलेबे कि नाही। किंतु जहा न्यूज आसी सारिछि जे अमित रोहित दास खेलिबे नाही रेड कार्ड पाइथिले। तेणु किभली भाव से रेड कार्ड पाइला परे बिहेव करिछंती से नै किबे तांको उपरे निर्भर करे। जदि से रिएक्ट हेतिबे निहाती भाव रे तांको नेक्स्ट मैच पई ड्रॉप करा जाइछि। तो मोटामोटी भाबे टीम इंडिया रो जेतु मनोबल दृढ़ अछि एवं मनोबल दृढ़ रहिछि आग को आमे आशा करबा किछि गोल्ड मेडल मध्ये आनिबे हम प्लेयर्स। किंतु वर्तमान सुधा जे देखिबा अनेक खेलाड़ी को परफॉर्मेंस मध्ये बहुत भलो रहिछि। एपटे हॉकी को मध्ये समस्त को नजर रहिछि। समीक्षा राति 10:30 रे हॉकी रहिछि भारत एवं जर्मनी भितरे। आमे भारत रो इतिहास को जे नजर पकेबा हॉकी रे परफॉर्मेंस आपण केमते देखुछंती? प्रथम मैच जितने जितलु निहाती भाव में आम तो मनोबल दृढ़ रही जेहेतु टीम इंडिया से भल कम्बिनेशन नहीं कि पड़िया को ओल्लि हरमनप्रीत दायित्व अच्छा भल प्रदर्शन कर गोटे कथा कहली जे टीम इंडिया सबुठ बड़ ड्रबैक हो जे डी एरिया जो गोल पाऊ कनभर्ट कर गोल्ले से निश्चित भाव में फाउल ले जाती। तो निहाती भाव मोटामोटी भाव में बॉल पासिंग ठारू आरंभ कर डिफेन्स एरिया किभली भाव में बॉल को निज पाखे रखे और गोल पोस्ट आड़ थ्रो करेंगे तापर गुरुत्व देवा कथा और ड्रैग फ्लिकर्स जो मैंने अच्छा बॉल को किभली भाव में गोल पोस्ट को कनभर्ट करेंगे से मध्य गुरुत्व देवा पड़ो। ब्रिटेन जेहेतु निहाती भाव में गोटे बड़ और शक्तिशाली टीम ऑस्ट्रेलिया को हरला पर टीम इंडिया निहाती भाव में मनोबल दृढ़ रखी और निहाती भाव में सेमिफाइनाल भल प्रदर्शन करशा करदी। आम सेमिफाइनाल जितुचे तो निहाती भाव में आमको गोल्ड आड़ को जवाक पड़ो। गोल्ड नेबाक होले आपनकु निहाती भाव रे टीम रो जो कॉम्बिनेशन कथा कोंतु खामख्याली रीति कथा कोंतु निहाती भाव रे खामख्याली तो नथिबे आउ के स्ट्रगल भी करबा को पड़िबो प्लेयर्स को जहा आपन सूचना देउछन लगातार भाव रे भारतीय टीम रो मनोबल दृढ़ रहिछि एवं एयार भितरे हॉकी उपर समस्त का नजर रहिछि। समीक्षा बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सूचना पाई।